एक ओर जहां उत्तर प्रदेश सरकार लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं को चला रही है, लेकिन उन योजनाओं को पलीता लगा रहे अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। कुछ यही देखने को मिल रहा है झांसी के मऊरानीपुर में, जहां मऊरानीपुर ब्लॉक क्षेत्र में बनी गांव गौशाला शोपीस बनी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल गौमाता के लिए आदेश जारी किया था कि आवारा घूम रहे अन्ना जानवरों को आश्रय देने के उद्देश्य से गौशालाओं का गांव में निर्माण कर उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन स्थानीय अधिकारी कहीं भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि मऊरानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत 66 ग्राम पंचायत है, जिसमें 25 गांव में गौशालाओं का निर्माण किया गया है, लेकिन लाखों का बजट मिलने के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो ऑफिस में एसी में बैठकर ही योजनाओं को कागज में ही इंकृष्ट कर दिया जाता है। जब इस संबंध में मऊरानीपुर खंड विकास अधिकारी प्रतिभा सलिया से जानकारी चाही कि सरकार के आदेश के बाद भी काफी संख्या में अन्ना जानवर सड़कों पर क्यों है और उनको गौशाला में क्यों नहीं रखा जा रहा है, गौशाला गौवंश से खाली क्यों है, तो वह सवालों से बचती हुई बोली कि उन्हें कोई भी जानकारी देने से जिले के अधिकारियों ने मना किया। इसका जवाब जिले के अधिकारी ही दे सकते हैं। वही उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी लाख दावे कर लें कि अन्ना जानवरों से किसानों को राहत मिली है, लेकिन आज जब हम धरातल पर बैठे हैं, आज यहाँ जनपद झांसी के तहसील गरोठा के गांव में किसानों के खेत पर बैठे हैं, जब हमने किसानों से बात किया तो वो बता रहे हैं कि सर हम लोग यहाँ पे लगभग 2 महीने से अपने खेतों पर रात दिन झोपड़ी बना के रह रहे हैं। हमने खरीफ की फसल बोई है जिसमें उर्द है, तिली है, मूंगफली की फसल बोई है, तो फसल तो हमने बो दी, लागत भी हमने लगा दी और लगातार यहाँ 2 महीने से हम रखवाली रात दिन कर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि अगर हम रात को थोड़ा एक झपकी भी ले लें तो उसी समय अन्ना जानवर घुसेंगे और हमारे खेतों को चट कर जाएंगे और बर्बाद कर देंगे, हमारी लागत भी नहीं निकलेगी। भाई उत्तर प्रदेश में सरकार भले लाख दावे करे कि हमने गांव-गांव गौशाला बनवा दी है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है गौशालाओं की हालत बहुत जर्जर है। गौशालाओं में जानवरों के लिए खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, भूख प्यास में जानवर वहां मर रहे हैं या तो फिर वहां से भागकर निकलकर किसानों के खेत में जा रहे हैं, किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की बदहाली है। आज हम किसानों के खेत पर बैठे हैं, किसानों की पीड़ा सुनी है, जो यही कह रहे हैं कि अगर हम घर को भी चले गए थोड़ी देर के लिए खाना खाने, उसी समय अन्ना जानवरों का घुस गए तो फिर समस्या विकराल हो जाती है, महीनों की मेहनत पानी में चली जाती है। ये बदहाली है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की किसानों की। भाई साहब क्या नाम है आपका? राम कुमार। किस गांव के रहने वाले हैं? देवनी के। ये बताइए भैया, ये आपने झोपड़ी बना रखी है, आपका खेत यही है? हाँ यही है माफी। किन कारणों से आपने झोपड़ी बनाई और यहाँ रात दिन क्यों बैठे रहते हैं, घर में क्यों नहीं रहते हैं आप? जो ढोल बच्चे परेशान है, बाहर के जो जंगली जानवर है, जैसे जो दुनिया भर के हैं, जो सब है, जो जंगली जानवर भी परेशान करते हैं, वो घर के ढोल भी परेशान करते हैं। तो थोड़ी जब समस्या आएगा, अगर रात दिन तक रहते हैं उससे आज थोड़ी अगर हम सो जाते हैं या झुक जाते हैं बहुत एक बढ़ जाते हैं, ढोल से चह जाते हैं। रात को रुझवा भी आते हैं, रात को हम सो गए तो रुझवा भी कुछ आते हैं, दिन के परेशान ढोलन के माँ हैं। मोदी ने जे जो धर्मशाला है गंगन की करी, ये धर्मशाला है बनी, अगर उनसे कुछ लाभ नहीं है, फिर लाभ है जो उनसे उसमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जैसे पानी नहीं है, भूसा नहीं है, भूखों मर रही है, तो इनका भी बंदोबस्त करवा जाए जो हम घर में बैठ कर खा सकते हैं, वरना दिक्कत है। ना तो दिक्कत है, हमारे पास रात दिन रहते फिर भी फसल नहीं, फिर भी हमारे पता लगा, हम थोड़ी बार चूक जाते हैं
तो भी हमारी फसल चल जाए, जैसे हम कहीं चले जाएंगे बाहर अन्न पानी लेने के लिए, तो अगर कोई नहीं होगा तो चल जाएगी। क्या बोया इस बार आपने? हमने आज मूंगफली बोया है, मूंगफली है, उड़दा है, मूंग है। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं हमने गांव गांव गौशाला बना दी, अब गौशालाओं की दिक्कत नहीं है। बनवाई तो है गौशाला, तार फैंक्शन से गौशाला बनी, जो उससे नहीं बनी तो गौशाला बनी, जो उनसे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। गौशाला तो बनी, अगर तारन भी बनी, उषा की भी बनी, अगर रात के भी घूम कर चाहे तो कर भी सका उसमें, रात के तारन में कर भी सका है। और तारन में जो एक दूसरे मारा से फटत भी है, पछे किया पड़ा तुम कछू मार लगा बात क्या है। कुल मिला के जमीनी जो हकीकत है, अन्ना जानवर से यहाँ का किसान परेशान, सरकार भले कोई दावा करे लेकिन जमीन पर कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अन्ना जानवर से परेशान है। ये फसल आप लोग कितने महीने में पैदा कर लेंगे? जब फसल कर लेंगे हम भाई 5 महीने में। तो 4-5 महीने आपको खेत पर ही रहना पड़ेगा? हाँ, 4-5 महीना खेत पर रहेंगे। बताइए ये हजारों की संख्या में जानवर रोड पे जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? अब जैसे होते से होते लो जान दे वह होटल बनी होते होते से मां से भाई दी बैठे सुबह ना खल होता दी फिर ना से पुटिया को जब से बैठे जाते साथ में से मां से भाई खेत में। अब ये तो खेतों में भी जाएंगे, खेत में जाते ही मैं तो खेत में घुसता है। क्या दिक्कत हो रही है इन जानवरों से? खाली साहब सरकार तो कह रही हमने गाँव गाँव गौशाला बनवा दी, गौशाला बनी नहीं है साहब। कौन गांव के रहने वाले हैं? भकोरे के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो लखनलाल है। लखनलाल है, हाँ, भकोरे के रहने। ये बताइए मतलब ये खेत कौन सा है आपका? हम तो साथ जो है ये है, ये झोपड़ी किसकी बनी ये है? ये हमारी है। रात दिन यही रहते हैं? और क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं किसान रात दिन अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, जानवरों को भगा रहा है, यही खेत पर झोपड़ी बना के रह रहा है, फिर भी अपनी फसल नहीं बचा रहा है। मुख्यमंत्री जी लाख दावे कर लें कि अन्य जानवरों की रोकथाम की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन धरातल पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं। तो रात दिन अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं फिर भी फसल नहीं बचा पा रहे हैं, ये जमीनी हकीकत। कल्लू किस गांव के रहने वाले? ये बताएं, ये जो जानवर रोड पर घूम रहे हैं, ये अन्ना जानवर कहाँ से आते हैं और कहाँ जा रहे हैं इतनी भारी संख्या में? भारी में जाएंगे भाई। और गौशाला नहीं बनी है क्या? गौशाला नहीं है। तो ये यहाँ से निकल रहे हैं तो किसी के खेत में जाएंगे? खेत में जाएंगे तो नुकसान तो किसानों का होगा। और किसानों अभी अन्ना जानवरों के लिए सरकार कह रही है कि हमने गौशाला बना दी, आप कह रहे हैं गौशाला नहीं। गौशाला कहाँ है? होती तो बना पड़ती। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है, इतने अन्ना जानवर छूटे हैं? अब पता नहीं भाई साहब का बता दूंगा। क्या नाम है आपका? मैं शिव नारायण सिंह परिहार, किसान कांग्रेस अध्यक्ष। जो अन्ना जानवर रोडों पे घूम रहे हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लाख दावे कर लें कि हमने अन्ना जानवरों की रोकथाम के लिए गौशालाएं बनवा दी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये जो योजना है गांव गांव गौशाला, जमीन पर धरातल पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अन्ना जानवर आज या तो किसानों के खेतों में है, किसानों की फसलों को चट कर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, या ये अन्ना जानवर हाईवे पर रोडों पर विचरण करते मिलेंगे, जिससे आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहा है, खेत पर किसान मर रहा है और रोड पर आम जनता मर रही है, रात में एक्सीडेंट हो रहा है, दिन में हो रहा है, रोज हो रही है। तो सरकार की गौशाला योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी विकास के नाम पर भले ही बड़े बड़े विज्ञापन छपवा लें, प्रचार प्रसार करा लें, लेकिन इन अन्ना जानवरों से किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर जहां कहीं भी गौशालाएं हैं तो उन गौशालाओं में अन्ना जानवरों के लिए चारे भूसे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गाय माता गौशाला में तड़प तड़प कर मर रही हैं,
और गाय की सुध लेने वाला इस सरकार में कोई नहीं है, ये जमीनी हकीकत है उत्तर प्रदेश की। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। किस गांव के रहने वाले? भैया ये बताइए, ये अन्ना जानवर सैकड़ों हजारों की संख्या में रोड पर घूम रहे हैं, ये कहां से जानवर आए हैं और क्या दिक्कत हो रही है इन जानवरों से आप लोग? गौशाला है नहीं है और गांव में घूमते रहते हैं और आते हैं तो खेतों में, और किसान लोग जो अपनी खेती रखाते हैं उसको हटाते रहते हैं, इधर के उधर भागते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? गौशाला चाहते हैं। तो स्यावरी में गौशाला नहीं है? अभी बाड़े में बैठ देते हैं रात में, और दिन में अपने चर के आते हैं तो रात में बाड़े में बैठ देते हैं। गौशाला बनी ग्राम पंचायत स्तर पर, लेकिन फिर भी अन्ना जानवर सड़कों पर है, इसके लिए आपके द्वारा क्या आदेश किए गए हैं? इसमें हमारे द्वारा सभी हमारे जो दोनों ब्लॉक हैं, खंड विकास अधिकारी बमरा, खंड विकास अधिकारी बहुरानीपुर, तो उन सभी को निर्देशित किया गया है कि जितने भी कोई भी पशु हैं वो किसी भी तरीके से गौशाला के बाहर ना रहे, और इसके साथ साथ में जो ग्राम प्रधान है वो भी जहाँ पे हमारी जितनी गौशाला हैं सभी अपना नियमित वहाँ पे गोवंश की गिनती कराएं और उनको नियमित जो उनका भोजन है, जो भूसा है, हरा चारा है, बाकी सारी उनकी व्यवस्था करें, जो सारी की सारी अन्य व्यवस्थाएँ हैं गौशाला में उसकी सारी की सारी नियमित व्यवस्था वहाँ पर करा के रखें। इसमें खंड विकास अधिकारी मौरानीपुर को भी निर्देशित किया गया है कि वो अभी जितने भी गौवंश हैं कोई भी गौवंश लगातार अपने भ्रमण पे रहें, अपने सचिवों को और अपने जितने भी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको लगातार लगा करके रखें ताकि कोई भी गौवंश जो है वो सड़कों पर भ्रमण ना करें। सर ऐसी कई गौशालाएँ हैं जिनमें खुली गौशाला खुले होने के बाद भी जानवर नगण्य हैं, बिल्कुल नहीं है, इसके लिए हमारे द्वारा खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया, उनके जो सचिव हैं और जो उनके ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको बताया गया कि किस प्रकार की किसी प्रकार की गौशाला में स्थिति ना पाई जाए, और अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो कराई जाए।